हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। तो दुबई से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल के ऊपर। तो आज थोड़ा सा मैं लेट उठा और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वैसे तो हमारे जो कंपनी का डाइनिंग हॉल है वहां पे ब्रेकफास्ट मिल जाता था, लेकिन मैं रिफ्यूज़ ही कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर खाना। आप लोगों के साथ बताऊँ तो अभी मैं और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है कश्मीर से। तो हम यहाँ पर आए हुए थे खान रेस्टोरेंट में। तो प्लीज आप थोड़ा सा खान रेस्टोरेंट को बाहर से दिखाइए पहले। तो बाहर से आप लोगों को खान रेस्टोरेंट दिखा दिया है भाई ने, बाकी अंदर हम गए हुए थे तो हमने देखो दो समोसे खाए, दो चाय ली हुई थी, एक दिराम का हमने पकौड़ा खाया। तो मैं बोलता हूँ एक बढ़िया रिफ्रेश हो गया मैं, इसको बोलते हैं कि अच्छा, अब चाहे भले ही मुझे मतलब 3 बजे तक लंच मिल जाए चल पड़ेगा, काफ़ी अच्छा रिफ्रेशमेंट हुआ। बाकी अंदर से मैं आप सभी लोगों के लिए कल दिखाऊंगा। बाकी रिव्यू के लिए मैं सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे खाएं, क्योंकि हमारे टोटल लगे 4 दिराम, 4 नहीं सॉरी 5 दिराम। 1 दिराम की चाय मिलती है, 1 दिराम का समोसा मिलता है, 1 दिराम का पकौड़ा, तो 3, तो चाय हमारी 2 थी तो इसलिए 5 बने टोटल। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। ये तो अच्छी रहनी है, इंग्लिश इंग्लिश टांग वाला बिल्डिंग वाल्डिंग है उससे। ये YouTube फैमिली में आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, जब भी आप आते हो किसी भी मुल्क में तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और सबसे जो बड़ी मेन दिक्कत यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ती है खाने से रिलेटेड होती है। यहाँ का खाना सच्ची में अच्छा नहीं होता है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने हेल्थ हेल्थ के ऊपर हम अपना ध्यान रखें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, खान ढाबा है ये, तो खान सिटी ढाबा के नाम से मशहूर है, अल मदीना मार्केट के बिल्कुल टच में ही है ये। तो चलिए लेट्स गो, और अंदर से भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से कवर करूंगा। तो अभी हम पहुंच गए अंदर, ऑर्डर भी कर लिया है, तो हमारी चाय और पकौड़ा आ गया है यहाँ पे। चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। पहले मैं खुद खाना चाहता हूँ, मैं फेक रिव्यू नहीं देना चाहता हूँ किसी भी तरह का, ना ही खान ढाबा की तरफ से मुझे किसी भी तरह का कोई भी पैसा मिला हुआ है, तो एकदम से ट्रू रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पकौड़ा सही लगा मुझे। अब मैं थोड़ा सा चाय चख के देखता हूँ, सही है चाय। मतलब दुबई में आके फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि भी जो घर में चाय पीता था उस तरह का थोड़ा टेस्ट मुझे मिला यहाँ पर। तो मैं सुजेस्ट करना कर सकता हूँ कि भी हाँ, आप यहाँ पे चाय पीने के लिए आ सकते हो। बहुत बढ़िया लगा। तो इवनिंग का टाइम हो रहा था 6:30-7 बजे का, और ज़्यादा भूख भी नहीं थी हमें क्योंकि लंच भी काफ़ी लेट किया हुआ था, तो थोड़ा सा ही चाय वगैरह हमने यहाँ पे ली। बाकी कैसा लगा आप लोगों को? बाकी अपनी हेल्थ को सच्ची में आप लोगों ने मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, तो चाय वगैरह जरूर पीनी है, फ्रेश रहना है। थैंक यू सो मच फॉर